पांडे, आपका अपने ब्लॉग राधे कृष्ण में स्वागत करती हूँ। और मैं आज शीतला माता के दर्शन के लिए जा रही हूँ। वैसे तो मैं डेली ही जाती हूँ माता रानी के दर्शन के लिए, पूरी फुल सेफ्टी के साथ। कोरोना किसी के घर में ना आए, किसी को कोई तकलीफ ना दे। माता भगवती सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। माता शीतला जो कि हमारा बहुत प्राचीन मंदिर है, जहाँ लोग बरसों से अपने अपने तरह से वहाँ पूजा करते हैं, चलिए मैंने सोचा आपको भी उनके दर्शन कराए जाएँ। और माता रानी भगवती उन आप सब पर भी कृपा बनाए रखे। ऐसी ही मेरी मनोकामना के साथ मैं अपने नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ आपके साथ आपको अपने साथ लिए चलती हूँ। चलिए चलते हैं माता शीतला के दर्शन के लिए। जय माँ शीतला, जय माँ शीतला। दरबार में देखिए, ये शीतला भवानी का दरबार है। यहाँ पर जो भी मनोकामनाएं मांगी जाती हैं, लोग कहते हैं कि कोई खाली हाथ नहीं जाता। ये हमारी माता मैनपुरी की सबसे प्रसिद्ध मैया हैं, उन्हें शीतला मैया के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर झंडे, जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है, वो झंडे अब आदि चढ़ाकर अपनी श्रद्धा भेंट स्वीकार करवाते हैं। ये है माँ शीतला देवी का मंदिर, देखिए कितना शानदार मंदिर है। यहाँ लॉकडाउन की वजह से अंदर जाना वर्जित है, यहाँ पर लोग बाहर अपने भीड़ लगाए हुए हैं, हर एक तरीके से पूजा या अर्चना कर रहे हैं, लेकिन बाहर से ही कर रहे हैं। देखिए कितनी सुंदर सुंदर दुकानें लगी हुई हैं। ये छोटा मोटा मेला लगा हुआ है, यहाँ पर भगवान के वस्त्र वगैरह मिल रहे हैं, बच्चों के लिए खेल खिलौने मिल रहे हैं। देखिए ये छोटे मोटे चीज़ें जो ज़रूरत की लेडीजों की होती हैं, बिछुआ, ये लकड़ी का सामान जो कि यहाँ मिल रहा है, बहुत सुंदर सुंदर लकड़ी के सामान हैं जो देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं, जो ज़रूरत के सामान। ये है माँ शीतला भवानी का दरबार। बोलिए शीतला मैया की जय। माँ भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखे, ऐसी मनोकामना है मेरी। ये माँ भगवती की जोत, आप भी आरती ले लीजिए ताकि आपकी भी हर इच्छा पूरी हो जो आप मांग रहे हैं माँ भगवती से, उनके चरणों में। ये माता भगवती की कितनी सुंदर छवि है, ये अंदर जाने को नहीं मिल रही है, इसलिए मैंने बाहर से एक छोटी सी क्लिप बनाई हुई है। आप भी इस जगतजननी जगदम्बा का दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना वो मांग लीजिए। ऐसा कहा जाता है कि जो भी इन भगवती से मनोकामनाएं मांगी जाती हैं, वो सब सारी पूरी हो जाती हैं। ये उनके आगे छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं, जिसमें प्रसाद मिल रहा है माता रानी को भेंट चढ़ाने के लिए, चुनरी नारियल वगैरह मिल रही हैं। यहाँ पर लोगों की छोटी मोटी भीड़ लगी हुई है, ज़्यादा भीड़ नहीं है लॉकडाउन की वजह से। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर छोटी छोटी दुकानें हैं, इन पर सारी छोटी मोटी ज़रूरत के सामान रखे हुए हैं। आप भी यहाँ आएँ और दर्शन के दर्शन लाभ लेने के बाद छोटा मोटा मेला करें। कल संडे है इसलिए संपूर्ण लॉकडाउन है, इसलिए कल तो नहीं आना संभव होगा, लेकिन आगे नेक्स्ट डे आप आ सकते हैं यहाँ दर्शन के लिए। बोलिए जगतजननी जगदम्बा की जय। ये उनका दरबार है। बोलिए भगवती मैया की जय। और आप इस छोटे मोटे मेले का मज़ा लीजिए। चलिए देखिए कितना सुंदर सुंदर सामान है, आप भी देखिए। हर माल 5 रुपये। यहाँ पर कप प्लेट की भी दुकान है, वो ध्यान से देखिए। और जो भी कुछ लेना हो आइए माता के दरबार में, दर्शन कीजिए और सारा सामान ले लीजिए। और ये बनके स्टार्ट कर लिए स्कूटी, और मैं और बच्चे लोग बैठ में जा रहे हैं। यहाँ पर छोटी मोटी दुकानें हैं, आप देखिए। हेलो एवरीवन, माँ
नौ देवी का दरबार, इसे काली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लोग यहाँ पर भी अपनी मनोकामना मांगने आते हैं। ये शीतला मैया के दरबार से कुछ कदम आगे पड़ता है, यहाँ पर लोग माथा टेक कर अपनी मनोकामना आप भी मांग लीजिए, जो आपको मांगना बोलिए। श्री काली मैया यहाँ नौ देवी विराजमान है। मैं अंदर नहीं जा सकती क्योंकि लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर अंदर जाना मना है। मैं भी मास्क लगाए हुए हैं क्योंकि बिना मास्क के हम लोग घर से बाहर नहीं निकलते, किसी भी तरीके का रिस्क नहीं होती है, किसी को टच भी नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हैं। ये है माँ भगवती की ज्योत। यहाँ पर लोग अपने अपने श्रद्धा के अनुसार दीपक जलाने आते हैं। ये गोगा जी महाराज जारपीर बाबा जी का मंदिर, बोले श्री गोगा जी महाराज की जय। अब हम चल रही हैं अपने घर की तरफ। ये हमारे घर से करीब 6-7 किलोमीटर दूर पड़ता है। भीषण नदी का पुल जो हमारे यहाँ मैनपुरी की मान सुप्रसिद्ध नदी है। यहाँ पर लोग देखिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कोई मेला देखने आया, दरबार में दर्शन करने के लिए आया, देखिए कोई ट्रैक्टर से, कोई मयूरी से, अलग अलग साधनों से अपने अपने घर से, कोई गाड़ी से निकले हुए हैं लोग, और दर्शन करने के बाद अपने मेला देखने के बाद अपने अपने घर की ओर जा रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। आप भी चलिए, जो अभी नया बन रहा जो इस रास्ते में जो भी मंदिर पड़ रहे हैं, मैं उनके सबके आपको दर्शन करा रही हूँ। देखिए यहाँ पर बहुत ठंडा चढ़ाने के लिए आए, देखिए मस्ती हो रही है यहाँ पे। ये है यहाँ पर प्राचीन मंदिर जो लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। फर्स्ट बार ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, पता नहीं मैंने आज पहली बार आई हूँ, मैंने तो देखा नहीं है, लेकिन आज मेरा मन किया ला उनके भी दर्शन कर लेती हूँ। ये किस कौन से भगवान का है मैं अंदर जाकर आपको बताती हूँ। चलिए आप भी चलिए मेरे साथ। ध्वनि लगातार हो रही थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था भोले शिव शंकर के मंदिर में। अजीब सी शांति लग रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। हम ये बाहर की तरफ निकल दिए, हमारी स्कूटी बाहर खड़ी हुई है। देखिए हेलो राधे कृष्ण, मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैं और मेरी बंटी दोनों मास्क लगाए हुए हैं, और मैं अपने अगर किसी भी रीजन पर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे अच्छे से अच्छा काम करने का मौका मिलता रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग। जो मेरे घर के बाहर है, यहाँ पर बंसी डेली दीपक रखने जाती है शनिवार को।